अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरके शाह खान। आज मैं आपको बताऊँगा 10 ऐसे तरीके फ़ोन के बारे में जिनसे आपका फ़ोन जो है वो बहुत ही इजी और स्मूथली जो है वो रन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो बहुत स्लो हो चुका है, या हैंग होना शुरू हो जाता है, या कभी वो नेट यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनके लिए जो है वो मैं आपको आज जो है वो 10 टिप्स दूंगा। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उससे जो आपका फ़ोन जो है वो 100% जो है वो अच्छा काम करेगा। तो ये जस्ट एंड्रॉयड जिन लोगों के पास फ़ोन है ये उन लोगों के लिए ये टिप्स हैं। तो इंशाल्लाह सून मैं ट्राई करूँगा कि आईफोन के लिए भी जो है वो ऐसी टिप्स जो है वो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ जो है वो आप ऐसी कोई फ़ोन के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो कोई ऐसी वीडियो जो है वो हमारे लिए ज़रूर जो है वो बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। तो अगर आपको कोई भी ऐसी कंप्यूटर के बारे में या फ़ोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर जो है वो मुझे फेसबुक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्विटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मेरा पेज भी है यूट्यूब पे शाह खान के नाम से, तो वहाँ से भी आप मुझे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। तो ज़रूर जो है वो जो भी आपका टॉपिक होगा या फ़ोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो ज़रूर मैं आप तक जो है वो पहुंचाऊंगा। तो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, तो अभी मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है ये जस्ट उनके लिए ऐसी 10 टिप्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अपने फ़ोन से जो है वो आप अपने नोटिफिकेशन को कैसे डिसेबल करेंगे, क्योंकि ये डिसेबल करने के मीनिंग्स ये हैं क्योंकि इससे जो आपकी बैटरी है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोगों को होता है कि स्पेशली जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वो जब आप लॉक कर देते हैं तो बैकग्राउंड पे क्या करते हैं कि वो आपकी बैटरी जो है वो स्टिल डाउन होती रहती है। तो उसकी वजह जो है वो यही है कि क्योंकि वो बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं और आपकी बैटरी जो है वो फिर जो है वो डाउन होती रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उन नोटिफिकेशन को बंद करना होगा। तो आपको बता देते हैं कि उनको जो है वो आप कैसे बंद करेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनको जो है वो कैसे बंद करना है। तो चलो कोई बात नहीं है, हम हैं ना, हम ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना होगा कि अपने जो एप्स प्ले स्टोर है वहाँ पे भी जा सकते हैं, और अगर वहाँ पे नहीं तो जब आप ऊपर से डाउन स्लाइड करते हैं तो राइट साइड टॉप पे आपको एक सेटिंग मिलेगी, सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो बताएगा कि ऐप इन्फो, उसके नीचे जब उस नीचे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा आपकी टिक ब्लू कलर की होगी जो आपको बताती है कि शो नोटिफिकेशन। तो उसको आपने क्या करना है कि टर्न ऑफ करना है, और टर्न ऑफ करके तो ओके कर देना है। ये तो नंबर 1 हो गया कि सबसे पहले आप जो है वो अपने नोटिफिकेशन को ऑफ करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो मोबाइल डेटा है उसको डिसेबल करना है। ठीक है, उसको डिसेबल करने के मीनिंग्स ये हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा जा रही है और आप जो है वो अपना नेट या कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर जो है वो आप जो है वो इस मोबाइल डेटा को जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कुछ लोग नहीं ऑफ़ करते
और कुछ लोग ऑफ भी कर लेते हैं, जिन लोगों के पास लिमिटेड होता है डेटा कुछ लिमिट में, तो वो तो ज़रूर जो है वो अपने डेटा को ऑफ ही करके रखते हैं जब उनको यूज़ नहीं करना होता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो आप सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के बाद डेटा यूज़र को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो डिसेबल आपने कर देना है, लाइक ऑफ या ऑफ करना है उसको। और उसके अलावा आपने क्या करना है, नंबर 3 स्टेप पे आपने करना है अपना जो ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये बैटरी के हवाले से तो हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये मैं इसलिए साथ में बता रहा हूँ क्योंकि जिनके पास कुछ लिमिट में डेटा होता है, जैसे 1 गीग होता है या 2 गीग या 3 गीग या 4 गीग होता है, तो उनको क्या करना होगा कि वो अपनी मोबाइल सेटिंग में जाएंगे और डेटा यूज़र को क्लिक करें। डेटा यूज़र को क्लिक करने के बाद उनको जो है वो एक लिमिट बता देता है वार्निंग के लिए, तो जो आपकी ऑरेंज बार होती है उसको आपने उठा के जो है वो रेड के बिल्कुल नीचे रखना है। तो उससे वो क्या होता है कि जैसे ही आपका, अगर आपके पास 2 गीग इंटरनेट है तो आपने जो है वो 1.8 पे सेट कर दिया है, तो वो 2 से पहले आपको नोटिफिकेशन भेज देगा और आपको वार्निंग देगा फ़ोन कि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो फिर आप जो है वो केयरफुल हो जाते हैं कि आपका मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही डे हैं, तो इसको जो है वो मैं स्लोली यूज़ करके तो जो दिन हैं उनको मैं जो है वो पास कर सकता हूँ। तो इसके अलावा नंबर 4 पे मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 4 पे आपको क्या करना है कि गूगल अकाउंट जो है उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। कुछ लोगों के पास नहीं होता और कुछ लोग जो है वो उसको ऐड भी करते हैं और उसके बाद जो है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं अपनी जो मेरी वीडियो है इसमें साथ साथ आप जो है वो देख रहे होंगे पिक्चर में, ये भी बहुत सिंपल है। आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, ऐड अकाउंट करेंगे और अकाउंट के बाद आपने सिलेक्ट करना है गूगल को, और जहरी बात है एंड्रॉयड जो है वो सारे फ़ोन गूगल के ज़रिए ही चलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप, अगर आपका पुराना अकाउंट है तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं, अगर नया है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, तो फिर जो है वो आप इस अकाउंट को भी यूज़ करेंगे एंड्रॉयड के लिए। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने आपके जो एप्स हैं उनको आपने डिसेबल करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जो आपकी बैटरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इसलिए उनको जो है वो ऑफ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्या करेंगे, आप अपने प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाके ऊपर लेफ्ट साइड पे 3 बार आपको मिलेंगे और उनको क्लिक करना है, फिर वहाँ से आप फाइंड करेंगे सेटिंग, नीचे सेटिंग को जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑटो अपडेट एप्स जो है वो आपको नज़र आ जाएगी, और इस उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे ऑप्शन मिल जाएगा जो है वो आपने के ऑटो पे है या फिर ये है कि डू नॉट ऑटो अपडेट एप्स, तो आपने यही क्लिक करना है कि आपको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट नहीं करने अपने एप्स, क्योंकि उससे जो है वो बैटरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे आके चलता रहता है, जब भी अपडेट आती है वो उसको लोडेड करता रहता है। अगर तो आपके पास वाईफाई हो तो वो जल्दी जो है वो अपडेट कर देता है, अगर वाईफाई नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसके अलावा नंबर 6 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 6 पे आता है जो आपके एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट है उसको आपने चेक करना है। सिस्टम अपडेट क्या चीज़ है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को तो पता है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो कोई बात नहीं है मैं आपको बताता हूँ।
तो नंबर 6 आपको जो बता रहा था सिस्टम अपडेट्स जो है, तो आपको क्या करना होगा कि सिस्टम अपडेट्स का चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने जो एप्स हैं ऑटो उनको आप ऑफ कर देते हैं, तो उनकी वजह से जो आपका सॉफ्टवेयर है वो भी कभी कभी जो है वो स्टॉप हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो उसको चेक करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके जो फ़ोन की स्पीड होती है वो और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो कंपनी होती है वो उनकी यही कोशिश होती है कि उनकी जो फ़ोन है उसका सिस्टम जो है वो अपडेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और जो नए से नए एप्स रेडी होते हैं वो भी कुछ इतने हैवी होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या कुछ व्हाट्सएप हो गया, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी अपडेटेड होते रहते हैं। तो इसलिए जो फ़ोन की कंपनी है उनको भी जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आपको खुद चेक करना पड़ता है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे लोगों को पता भी है लेकिन हमारा बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी आपके फ़ोन की जो बैटरी है इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ता है। असर इस तरह पड़ता है कि उसकी जो बैटरी की लाइफ है वो और ज़्यादा हो जाती है जब सॉफ्टवेयर नया आ जाता है, क्योंकि पुराने से जो अफेक्ट होते हैं वो नया सॉफ्टवेयर उसको जो है वो सेटअप कर देता है, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट करता है। डिलीट मीन्स लाइक जो अफेक्ट हैं कुछ बैडली बैटरी पे, तो उनको सेटअप करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाएंगे तो उसके बाद आप अबाउट फोन या अबाउट डिवाइस जो भी ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सिस्टम अपडेट्स को। सिस्टम अपडेट्स को क्लिक करेंगे और नीचे आप देखेंगे कि आपके एंड्रॉयड वर्जन क्या है, जैसे होता है 4.2.2 समथिंग या ऐसे 4.2.3 समथिंग ऐसे कुछ। तो उससे पहले आप जब सिस्टम अपडेट ऊपर जो सबसे पहला है उसको क्लिक करेंगे तो वो थोड़ी देर जो है वो राउंडली जो है वो घूमना शुरू हो जाता है ब्लू बार, तो वो आपको बता देगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी अपडेट है, या फिर वो अगर अपडेट नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि फिर आपको बता देगा अपडेट करने के लिए। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपली होता है, वो आपको अपडेट का नीचे फिर जब उसको लोड करके लेके आता है तो नीचे फिर अपलोड ऑर्डर होता है तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रन करना शुरू हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली रन करेगा खुद ही, फिर वो खुद थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा मीनिंग्स कि अगर आपका नेट अच्छा है तो फिर थोड़ा लेता है, अगर आपका नेट स्लो है तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, फिर ऑन होके तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करके ले आएगा। तो उससे भी आपके फ़ोन पे जो है वो बहुत ज़्यादा बैटरी के हवाले से बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा नंबर 7 पे कुछ एप्स ऐसे होते हैं स्पेशली एंड्रॉयड में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट एप्स हैं, अभी भी हैं। वो कैसे डिफ़ॉल्ट होते हैं कि एंड्रॉयड पे हर कोई अपने एप्स रेडी करके जो है वो प्ले स्टोर में भेज देता है, ठीक है। तो कुछ साल यूज़ होते हैं और उनको जो है वो जो बनाने वाले होते हैं उनको अपडेट नहीं करते, ठीक है। तो उनको बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनको डाउनलोड कर चुके होते हैं, तो जब आप यूज़ करते हैं तो वो कभी कभी हैंग होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो वापस आपको मेन स्क्रीन पे ले आएंगे। तो इसका मीनिंग्स ये है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो आपके पूरे फ़ोन को जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। तो उनको क्या करना होगा, ऐसे ऐप्स को जो है वो आप ज़रूर
अपने फ़ोन में ना रखें, क्योंकि उससे बाकी भी आपके फ़ोन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि उन डिफ़ॉल्ट ऐप्स को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। कुछ लोग तो सिंपली उसको क्लिक करके तो ऑन इंस्टॉल कर देते हैं, ऐसे भी आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप उस फ़ोन की सेटिंग में जाएं, फ़ोन की सेटिंग में जाके ऐप्स पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐप्स पे जब क्लिक करेंगे तो सारे ऐप्स आपके जो है वो राइट साइड पे आ जाते हैं, या फिर राइट पे नहीं आए तो वो नेक्स्ट पेज पे आपके सारे ऐप्स ले आता है। उनमें से जो भी डिफ़ॉल्ट हैं, जो आपके काम नहीं कर रहे, जो आपको ट्रबल कर रहे हैं, तो उनको आप क्लिक करेंगे और साथ जो है वो क्लियर का बटन होगा नीचे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो जितने डिफ़ॉल्ट ऐप्स को आपने क्लिक किया होगा वो सारे आपके क्लियर होके आ जाएंगे। और इसके अलावा क्या होता है कि एंड्रॉयड में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जब आप एक नया ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो एक तो आपकी जो मेन्यू होते हैं जहाँ पे सारे ऐप्स जहाँ पे होते हैं जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे भी चले जाते हैं, और कुछ जो आपकी मेन स्क्रीन है जहाँ पे आपके दो तीन बार्स होते हैं जैसे कॉल्स, मैसेज या क्रोम, गूगल्स या ऐसे तीन चार, तो वहाँ पे भी आपके जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। लाइक आप कभी कभी सोच रहे होंगे जैसे आपको शॉर्टकट, उनको बोलते हैं कि वो शॉर्टकट आपके ऐप्स हैं, तो उनको भी आपको रिमूव करना होगा। उनको बहुत इजी जो तरीका है वो ये है कि आप उनको इजीली उनको क्लिक करके रखें, और जब क्लिक करके रखेंगे तो साथ ही आपको राइट साइड पे रिमूव का ऑप्शन देगा, तो उसमें जाके आपने बास्केट में डाल देना है, तो फिर जो है वो जो है वो आपका एक सिंगल ही ओरिजिनल ऐप्स जो है वो वहाँ पे रहेगा और जो दूसरे वाला होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इसके अलावा आपने एक और बहुत ही ज़रूरी काम करना है, वो क्या करना है कि आपने ऑटो करेक्शंस, ठीक है, इसको भी आपने जो है वो ऑफ़ करके रखना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं, सेटिंग के बाद आप लैंग्वेज इनपुट को क्लिक करेंगे, और उसके बाद जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग आइकॉन जो है वो नज़र आएगा, जिसको आप गूगल की बोर्ड जो है वो बोलते हैं, ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, और जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें ऑटो करेक्शन भी होगा, तो उसको आपने क्या करना है, ऑफ़ करना है, क्योंकि वो भी आपकी जो लैंग्वेज होती हैं उनके ज़रिए जो है ना वो चेंज करने की ट्राई करता है, जिसमें आप अपने कीपैड में जो है वो ट्राई करते रहते हैं कि उनको जो है वो यूज़ किया जाए। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं, आप मुझे फेसबुक के ज़रिए भी फाइंड आउट करेंगे, आरजे शाह खान मेरा फेसबुक पे पेज भी है, वहाँ पे भी आप अगर किसी तरह की समझ ना आए तो आप वहाँ पे अपने जो है वो फीडबैक हमें दे सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब मेरा चैनल है, वहाँ पे भी आप हमें जो है वो बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर जो है वो शेयर करें फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। तो थैंक यू सो मच आपका अगेन, आपका इस कीमती टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़।